पेश है गुड मॉर्निंग जे एंड के। आगाज हमारे कामों का है नाम से तेरे जगदाता, तू रहमो करम का सर चश्मा है, फैज तेरा ही लहराता। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जे एंड के। गुड मॉर्निंग जे एंड के प्रोग्राम का ताज़ा शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी अपना ये पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो देख रहे हैं, आप बसात सलामत होंगे, खुश खुरम होंगे। आपकी अच्छी सेहत के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपकी शादमानियों के लिए हम हमेशा ऊपर वाले से दस्तबदुआ रहते हैं। परवरदिगार करें कि जितनी भी नेक ख्वाहिशात, नेक दुआएं हम आपके लिए मांगते हैं, अपने दिल में रखते हैं, वो सब शर्मंदा ताबीर हों, और जो भी नेक ख्वाहिशात आप इस प्रोग्राम के तहत रखते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बुधवार है, जुलाई के महीने की 5 तारीख 1444 हिजरी के जिलहिजा की आज 16 तारीख है। आज के दिन की बड़ी खूबी है, बड़ी इफादियत है। सिख धर्म के छठे गुरु हरगोबिंद जी का आज 428वां युम पैदाइश है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, जिसे हम प्रकाश पुरब भी कहते हैं, गुरुपुरब भी कहते हैं। तो इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद सिख धर्म के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हमारे तमाम देखने वालों को, तमाम नाजरीन को। और जब हम कश्मीर की बात करते हैं या मुल्क की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, यहाँ की ख़ास खूबियों में बड़ी खूबी यह है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ, मुख्तलिफ अकायद के साथ वाबस्ता लोग यहाँ रहते आए हैं, सदियों से रहते आए हैं, खुशी खुशी रहते आए हैं, और एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले लोग हैं। हम एक दूसरे की खुशियों में खुश हो जाते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से घटते हैं। तो हम उम्मीद यही रखेंगे कि आज जो हमारी मुसलमान कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे दोस्त हैं, या हिंदू बिरादरी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त, या दूसरे मज़ाहिब और अकायद के साथ वाबस्ता जो दोस्त हैं, वो अपने सिख धर्म के दोस्तों को आज के दिन की मुबारकबादी भी देंगे, उनकी इस खुशी में शामिल भी हो जाएंगे। हज़्ब दस्तूर दो मेज़बान आपकी खिदमत में रहेंगे इस प्रोग्राम में। मैं अजहर रहूँगा आपके हमरा, और मेरे हमरा रहेंगी इरम। कैसी हैं आप? खैरियत से? शुक्रिया। बड़े दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है, तो नाम लब पे सही तरीके से आ नहीं रहा। कैसी हैं आप? सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ईद अच्छे से? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद तो ठीक से गुजरी जी। शुक्र। नाज़रीन, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत खैर मकदम आप सभी देखने वालों का। गुड मॉर्निंग जे एंड के आज के शुमारे में उम्मीद हर दिन की तरह यही कि आप जहाँ कहीं भी है खुश है, हमें अपनी दुआओं का खसूसन एक हिस्सा बना रहे हैं, जिस तरह से हम आपको अपनी दुआओं में हमेशा शामिल रखते हैं। नाज़रीन, हम आज गुफ्तगू ज़रूर करेंगे इस मुबारक दिन के हवाले से, जिसका जिक्र अजहर भी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले हस्ब दस्तूर आप तक पहुंचाते हैं मौसम और सड़क की ताज़ा तरीन जानकारी। मौसम के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात से मिली इतला के मुताबिक आज भी कल की ही तरह कहीं कहीं पर बरालूद रहने के इम्कान है, और
और साथ ही पेशेंगुई की गई है कि शायद बारिश होने के भी इम्कानात है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 28 डिग्री सेल्सियस, वहीं कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। जम्मू की बात करें तो जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32, वहीं कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं शहराओं के हवाले से। NH-44 पे छोटी गाड़ियों को बदस्तूर दोनों अतराफ से चलने की इजाजत है, वहीं बड़ी गाड़ियों को आज जम्मू रवाना किया जाएगा। SSG रोड पे दोनों अतराफ से ट्रैफिक की नकलो हमल जारी रहेगी और मुगल रोड पे भी दोनों ही अतराफ से ट्रैफिक की नकलो हमल जारी रहेगी। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि चूंकि यात्रा का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, तो यात्रियों के लिए एक रिवाइज्ड एडवाइजरी निकाली गई है ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की तरफ से, 3 जुलाई को निकाली गई है। उनसे उनको ये कहा जाता है कि आप प्लीज उस एडवाइजरी को फॉलो करें और उस हिसाब से अपना जो है रक्ता सफर बांधें। और उसके साथ साथ नाजरीन, अगर आप रक्ता सफर बांधने के इरादे से निकल रहे हैं तो जरूर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट श्रीनगर या ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट जम्मू के नंबरात पे राबता कायम करें जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे, ताकि आपको कट ऑफ टाइमिंग्स और अपडेटेड इंफॉर्मेशन की जानकारी मिलती रहे। जी सर, बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए। जिस तरह आप कह रही थी कि पेश गोई की गई है कि आज भी मतला अबर आलूद रहेगा, और मौसम के हवाले से जब बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ रही हों फिर इस किस्म की प्रिडिक्शन इंसान को बहुत राहत पहुंचाती हैं। हमने देखा कि गुज़श्ता कई रातों के मुकाबले में जो पिछली रात थी, गुज़श्ता रात थी, बेहतर थी, कदरे बेहतर थी। फैन ऑन रख के सोने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आराम ज़रूर लोगों ने महसूस किया होगा, राहत महसूस की होगी। तो मौसम के हवाले से जो इरम कह रही थी कि हम उम्मीद यही रखेंगे कि आज बूंदाबांदी होगी, बारिशें होंगी, ताकि जो बहुत ज़्यादा गर्मियां पड़ रही हैं पिछले कई दिनों से अब, उससे लोगों को ज़रा राहत मिलेगी, बेटर लोग फील करेंगे। और वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन आप अपने घरों में होंगे, खासकर वो दोस्त जो मुलाजमत पेशा है, तो उन्हें ज़रूर अच्छा लगेगा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग होते हैं जो छुट्टी के दिन के लिए कुछ प्लान करते हैं, कहीं पिकनिक पर जाया जाए, तो उनको हमारी ये बात अच्छी नहीं लग रही। मैं सोच रही थी शादियों का मौसम है, शायद वो भी ना जाए। सही है, लेकिन शादियों का यह है कि ज़्यादातर सैटरडे संडेज के लिए शेड्यूल्ड होती हैं शादियाँ। तो खैर, शादियों का आपने जिक्र छेड़ दिया है और आज मुबारकबादी का ही दिन है, तो हम अपने उन तमाम दोस्तों के लिए नेक ख्वाहिशात उनके साथ शेयर करते हैं जो आपकी बार इमसाल शादी के इस खूबसूरत बंधन में बंद रहें। परवरदिगार आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए। आज गुरुपुरब है, आज प्रकाश पुरब है, तो प्रोग्राम का आगाज़ एक मुख्तलिफ अंदाज से होगा, एक खूबसूरत अंदाज से होगा। आज हमने इंतखाब किया है शब्द कीर्तन का। इस इंतखाब के बाद प्रोग्राम की चूंकि से शुरुआत हो जाएगी, वापस आकर फिर हम आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। एक बहुत ही खूबसूरत, अहम और जानकारी भरी गुफ्तगु होगी। आप देखते रहें हमारा, आपका, हम सबका पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जैन के। हरियावली सा धरती पे
जिन नाम आराध्या तन तन गुरु जिन नाम आराध्या आप तरया जिनी डिठा तिन ले चढ़ाए आप तरया जिनी डिठा नाज़रीन आपको याद दिलाते चले कि टीवी के अलावा आप हमारा प्रोग्राम बराह रास्त डीडी कशीर के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और हमें अपने कमेंट्स से नवाज सकते हैं। यकीन माने कि हम आपके कमेंट्स रोज पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स में जो आप हमें सलाम दुआ भेजते हैं वो हम तक पहुंच जाता है। नाज़रीन हम आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे लेकिन उससे पहले हम रुकते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। वरदान
मुल्क और मुल्क से बाहर बे औलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बे औलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे लास्ट तक के बच्चा रूपिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और सिदा की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। याद रहे वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खसूसी रियायती कैंप मुनक़द किए जाएंगे। गुरु हरगोबिंद जी का प्रकाश पूरब, और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे अपने एक नौजवान दोस्त से जो सिख तालीमात पर गहरी नज़र भी रखते हैं, इसके साथ साथ ये पंजाब की एक मोतबर यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड भी हैं। और खुशी की बात ये कि इनकी ज़िंदगी और शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं। ये एक बहुत अच्छे शायर भी हैं पंजाबी के। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर कुलबीर सिंह बादल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और आज के दिन की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह और आधा वर्ष, और सारे देखने वालों को भी आज के दिन की मुबारक हो। और बेशक ईद गुजर गई है लेकिन ईद मुबारक भी साथ है। सही है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि कुछ दिन पहले ही ईद का त्यौहार मनाया गया, उसके बाद और एक त्यौहार हमारी और एक बिरादरी का मनाया जा रहा है। तो मैं जो आगाज़ में कह रहा था कहीं ना कहीं उस बात की रिलेवेंस इस बात से है कि इसी वजह से जो हिंदुस्तान को जब पूरी दुनिया में जाना जाता है, माना जाता है, जिन खूबियों खसूसियात के लिए माना जाता है, उन खूबी में एक बड़ी खूबी है, बड़ी खसूसियत है। खैर, इससे पहले कि हम आज के इस खास दिन के हवाले से बात करें, इसकी अफादियत, अहमियत, इसके पस मंज़र, इसके बैकग्राउंड के हवाले से बातें करें, चूँकि आज इस प्रोग्राम में आप खुद पहली मरतबा शामिल हो रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि अपना तारुफ हमें कराएं, हमारे नाज़रीन को कराएं। देखिए, तारुफ तो उस खुदा की ज़ात का है, बंदे का क्या तारुफ हो सकता है। मेरी पढ़ाई लिखाई जो लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन तक कश्मीर में ही हुई, उसके बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में मैंने अपनी PhD की और वहीं अब दरसो तदरीस का काम कर रहा हूँ। और साथ में एक्टिविज्म कर लेते हैं, लिख लेते हैं, लोगों के हकों के लिए बोल लेते हैं, बस इतनी ही तारीफ है हमारी। लेकिन ये जो आपने कहा PhD की आपने बात कही, आपने रिसर्च की बात कही, तो क्या बता पाएंगे हमें कि किस खास मौजू पर टॉपिक? मेरा जो टॉपिक बड़ा ही, देखिए, ग्रेटर कश्मीर में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था बहबूज राज, ये सिख पीरियड को लेकर लिखा गया था, तब मैं ग्रेजुएशन में था। और इंटरेस्टिंग बात है, वॉज इन कॉमर्स स्टूडेंट, नॉट ए हिस्ट्री स्टूडेंट। तो उसने मुझे इतना स्ट्राइक किया कि मैंने कहा इस पीरियड को बहबूज राज क्यों कहा गया। तो मैंने स्ट्रीम बदल के हिस्ट्री में अपना मास्टर्स करके PhD की, मेरा टॉपिक था स्टेट सोसाइटी एंड इकोनॉमी इन सूबा कश्मीर अंडर सरकार खालसा। ठीक। तो मैंने उसी पीरियड का एनालिसिस किया। ओके। तो इट वॉज माई PhD टॉपिक, जिसको आमतौर पर हम कह देते हैं सिख रूल इन कश्मीर। तो टर्निंग पॉइंट बना, इग्निशन पॉइंट बना वही जो आपने आर्टिकल पढ़ा। हाँ। तो वहां से फिर आपका जो इंटरेस्ट है किसी और कोर स्ट्रीम में चला गया चला और उसमें खैर आपने मुकम्मल कर लिया अपनी तालीम, उस हवाले से बड़ी अच्छी बात है। जी बिल्कुल। इसी बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आपने साहब ने कहा कि आप दरसो तदरीस का सिलसिला भी जारी रखते हैं, तो उसकी ओर कैसे रुझान हुआ, हिस्ट्री से वहाँ कैसे रुझान हुआ? मेरे को देखिए, ये लाइफ में ना बड़े शिफ्ट्स है मेरा। अगर आप मेरी मदर से मिलेंगे तो ये कहेंगे कि मेरी माँ लिटरली रोया करती थी, मैं एक ही बेटा था। अच्छा। मेरा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। मेरा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और मेरी मदर की एक ये चिंता थी कि ये पढ़ेगा क्या, ये बहुत वरिड रहते थे। और 10th तक भी मुझे मतलब धक्के से पढ़ाया गया, 12th भी मैंने धक्के में ही किया है, और ग्रेजुएशन मैं बस कर ली। अच्छा। बस ये फिर कोई अल्लाह की ही रहमत है कि ग्रेजुएशन के बाद कुछ समझ आए कि नहीं, ये इंसिडेंट्स लाइफ में हुए, कुछ लगा कि कुछ करना चाहिए। अच्छा, तो इन्हीं इंसिडेंट से हम इस तरफ आए।
اچھا ٹھیک چونکہ تھی کشیر مز روزان اس لیے کشیر پٹھ کت کرن یا کشیر پٹھ کت سمجھن یہ چھن بڑ کت تہند خاطر کی نا 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 تو کشیر مز کت جائے چھو روزان الچی باغ روزان الچی باغ چھو روزان پڑھائی لکھ یوز بنیادی سطح پر پرائمری سطح پر شاید تھی الچی باغ گمت گڈ گومت نیو کانوینٹ سکول مز اچھا پت خالسا ہائی سکول مز ٹھیک پت گومت جوار نگر ہائی سیکنڈری گومت ہائی سیکنڈری اولڈ ہائی سیکنڈری اتھ ونان اولڈ سکول ونان اولڈ سکول اولڈ سکول ونان مچھتے پورمت اس لیے ایکسی سکول اس پورمت ہائی سیکنڈری سکول اس پورمت سکول میڈ تو پت کو بھیمنا ڈگری کالج اوکے دین اگنور ہی پوسٹ گریجویشن اوکے اوکے اچھا چونکہ اب آج کے دن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے افادیت ہے اور ایسے دنوں کے حوالے سے ایسی شخصیات کے بارے میں گھنٹوں بھی اگر آپ کو ملے پھر بھی آپ مکمل طور پر بات نہیں کر پاتے ہیں کوئی نہ کوئی بات ادھوری رہ جاتی ہے تو ہم اب ڈائریکٹلی اس ٹاپک پر آتے ہیں آج اس عظیم گرو کا آج جو ہے جنم دن منایا جا رہا ہے 428واں ان کا جنم دن ہے سالگرہ ہے تو ہمیں سب سے پہلے بتائیے گا اس گرو صاحب کے بارے میں یہ گرو صاحب رہنے والے کہاں کے تھے اور ان کی جو انیشل لائف رہی ہے یا ابتدائی زندگی رہی ہے وہ کیسی رہی ہے کیا بچپن سے ہی ریلیجس مائنڈڈ تھے یا کچھ وجوہات بنے آج گرو ہرگوبند صاحب جی کا پرکاش پورب ہے اور بھائی گرداس جی فرماتے ہیں پنچ پیالے پنچ پیر چھٹم پیر بیٹھا گرپاری ارجن کایا پلٹ کے مورت ہر گوبند سواری چلی پیڑی سوڈیاں روپ دکھاون وارو واری دل پنجن گرسورما گرو ہرگوبند صاحب کا پرکاش گرو کی وڈالی امرتسر میں ہوا تھا گرو ارجن دیو جی اور ماتا گنگا جی کے گھر میں ہوا تھا سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ گرو ارجن دیو جی سکھوں کے پانچویں گرو تھے اور ان کے جو بڑے بھائی تھے پرتھی چند تھے گرو ارجن پاچھا کے گھر میں اولاد بہت دیر بعد ہوئی اور پرتھی چند کو پرتھی چند جو گرگدی کا کانسیپٹ ہے یہ ڈیوائن کانسیپٹ ہے پرتھی چند کو ایسا لگتا تھا کہ ان کے گھر میں تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے اگر ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوگی تو یہ گدی تو میرے بیٹے کی ہی ہے لیکن 1595 میں گرو ہرگوبند صاحب کا پرکاش گرو کی وڈالی میں ہوتا ہے اس کے بعد لگ بھگ 11 سال کی عمر میں گرو ارجن پاتشاہ کی شہادت کے بعد گرگدی گرو ہرگوبند صاحب سنبھالتے ہیں تب ان کی عمر صرف 11 سال ہے اچھا اس سے پہلے جتنے بھی گرو ہوئے تھے وہ لگ بھگ 60 سال پلس کے ہوئے یا 50 سال پلس کے یہ سب سے کم عمر میں گرو ہرگوبند صاحب نے گرگدی سنبھالی اس کے بعد اگزامپل گرو ہرکرشن صاحب کی بھی ہے جو 4 سال کی عمر میں گرگدی جو نے سنبھالی ہے اچھا ان کی بچپن کی بڑی انسیڈنٹ ہے کہ پرتھی چند جو ان کا تایا لگتا تھا رشتے میں اس نے ایرخا میں نفرت میں آ کے ان کو 3 بار مروانے کی کوشش کی پہلی بار ایک دائی کو اس نے کہا کہ آپ اس کو جب دودھ پلا رہے ہیں گرو صاحب کو تو آپ ان کو زہر دے دیجئے اچھا یہ انہوں نے ان کے اپنے چچے نے کی تایا تایا نے کیا ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا ایرخا کا کانسیپٹ یا شیطان یا مایا کا کانسیپٹ یہ پیغمبروں کے گھر میں بھی ہے جو آج ہم کرائسس دیکھتے ہیں فیملیز میں یہ تب سے ایگزسٹ کرتا ہے تو جب وہ دائی نے دودھ دینے کی کوشش کی لیکن دائی خود مر گئی دوسری بار انہیں ایک سپیرے سے گرو صاحب کو مروانے کی کوشش کی گرو صاحب نے سانپ کو پکڑ لیا اور سانپ کو مار دیا تیسری بار ایک برہمن کے ہاتھوں انہوں نے زہر دینے کی کوشش کی اور وہ برہمن بھی مر گیا اور یہ جو میں تینوں کو قصے بتا رہا ہوں یہ گرو گرنتھ صاحب میں مینشنڈ ہیں گرو ارجن پاتشاہ مطلب جب گرو ہرگوبند صاحب ان حادثوں سے بنتے ہیں تو بانی میں ان کا ذکر کرتے ہیں تو گرو ارجن پاتشاہ کی شہادت کے بعد گرو ہرگوبند صاحب نے گرگدی سنبھالی جہاں تک تعلیم کا سوال ہے بابا بڈھا جی بابا بڈھا جی ایک ایسی شخصیت ہیں جو گرو نانک صاحب سے ملے تھے اور جب وہ ملے تھے وہ بہت چھوٹے تھے عمر میں مطلب ہسٹورینز کا اس بارے میں عمر کے لے کر الگ الگ وچار ہیں لیکن وہ 10 سال سے تو کم تھے لیکن جب گرو نانک سے ان کی بات ہوئی تو گرو نانک نے پایا کہ یہ بچہ ان کو یہ بہت انلائٹنڈ ہے تو ان کا نام بوڑھا تھا ان کا نام بڈھا رکھا مطلب یو آر اے اسکالرلی وزڈم مین ود اے وزڈم رائٹ رائٹ سو گرو بابا بڈھا جی کی شخصیت یہ ہے کہ جو گرگدی جب دیتے ہیں ایک پرمپرا ہے گرگدی دینے کی کسی کو صحیح ہے تو وہ 6 گرو
तक गुरु बाबा बुड्ढा जी ने ही संभाली है। अच्छा, हाँ, वो देने की परंपरा जो है जी। और बाबा बुड्ढा जी ने ही गुरु हरगोबिंद साहब को तालीमात दी। अच्छा। और साथ में भाई गुरदास ने गुरु हरगोबिंद साहब को तालीमात दी जी। और घर में रिलीजियस माहौल था। और ये देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो गुरगद्दी है ना, ये डिवाइन है। ये नहीं है कि कोई पैदा हो गया। गुरु नानक साहब के दो बेटे थे, लक्ष्मी चंद, और दूसरे बेटे का नाम अभी मेरे जहन से निकल गया, लक्ष्मी चंद। और लेकिन गुरु नानक साहब ने उन दोनों को गद्दी नहीं दी। भाई लहणा साहब जो उनके सिख थे, लहणे को अंगद किया। अच्छा। फिर लहणे, क्योंकि दोनों बेटे उस परख पे खड़े नहीं उतरे, तो गुरु अमरदास जी को। हाँ। गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी को। अच्छा। गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जन देव जी को। ये डिवाइन है जी। ये डिवाइन, उस विल में सारा काम हो रहा है। तो गुरु अर्जन पातशाह की शहादत के बाद गुरु हरगोबिंद साहब ने गुरगद्दी संभाली, जबकि तब की उम्र, उनकी उम्र लगभग 11 साल की थी जी। ये जो इससे ये आया होता है कि ये जो गुरगद्दी है इसको संभालने का जो सिलसिला है या जो इसके लिए इंतखाब है, वो ऊपर वाले की जानिब से ही हाँ। किया जाता है, स्पिरिचुअली किया जाता है। इसमें लोगों का अमल दखल कम ही रहा। बिल्कुल, अगर मैं आपको कहूं, मैं टेक्निकल लैंग्वेज इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स से शायद समझ ना पाए सब, इसलिए मैं प्लेन एज प्लेन सिंपल बात कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ। ये डिवाइन चॉइस है ऊपर वाले की ही ओर से सारा, क्योंकि ये जो ज्योत का कॉन्सेप्ट है शब्द गुरु का, वैसे ही चल रहा है। राइट। और साथ ही से ये भी पता चलता है कि इसमें अगर हम आम भाषा में कहें तो जेनेटिक्स का भी कोई खास अमल दखल नहीं है। जो जिसको ऊपर से ये स्पिरिचुअली ये डिवाइन एनलाइटनमेंट है, वो आगे गुरु की गद्दी संभालता है। बात कर रहे हैं हम गुरु हरगोबिंद जी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। साथ ही हमें उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, तो हमें पता चलता है कि अकाल तख्त या अकाल सेना के वो फाउंडर रह चुके हैं। तो इस बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि आखिर इस क्या है इसका मतलब। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर आप दरबार साहब गए होंगे, जिसे आमतौर पे ब्रिटिशर्स ने गोल्डन टेम्पल नाम दिया था, तो आप देखेंगे उसके सामने ही एक इमारत है जो जिसे अकाल तख्त कहते हैं। अच्छा, राइट। जब गुरु हरगोबिंद साहब ने गुरगद्दी संभाली तो उन्हें दो तलवारें पहनी, एक मीरी की और एक पीरी की। अच्छा। जो मीरी है ये अरबिक से पर्शियन में आया, इसके मीर से शब्द है, बादशाहत से इसका मनसूख रखता है जी। और पीरी स्पिरिचुअलिटी से। अच्छा। जी। गुरु हरगोबिंद साहब ने दो तलवारें धारण की। गुरु हरगोबिंद साहब, इसके पीछे फलसफा ये था कि बैलेंस बिटवीन द लाइफ। अच्छा। जो पॉलिटिक्स हो, जो नेशन स्टेट हो, वो हमेशा ही स्पिरिचुअलिटी के अंडर रहे। अच्छा। हम दरबार, जब अकाल तख्त के सामने दो निशान साहब हैं, वहां पे दो फ्लैग्स हैं, तो जो पीरी का फ्लैग है, स्पिरिचुअलिटी का फ्लैग है, वो ऊपर है और मीरी का नीचे है। यानी अपर हैंड हमेशा स्पिरिचुअलिटी का ही रहना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी का। वेस्ट ने क्या किया था, वेस्ट में जब चर्च में करप्शन आने के बाद उन्होंने कह दिया कि आप स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स को डिफरेंट कर दो। हाँ। पर इस खित्ते में, सब कॉन्टिनेंट में सिद्धांत ये है कि नहीं, दोनों को साथ लेके चलना है, और जो स्पिरिचुअलिटी है इसके अंडर ही होगा, पलड़ा भारी रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर डिविनिटी, दैवी गुण नहीं होंगे, स्पिरिचुअल क्वालिटीज नहीं होंगे, आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही, अहम बात। अच्छा, उसके बाद गुरु हरगोबिंद साहब ने अकाल तख्त की सर्जना की। उस समय का जो कंटेम्पररी पावर था, इट वॉज मुगल स्टेट। अगर आप इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, कई बार हिस्टोरियंस ने ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश की कि देयर वाज सम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिक्स एंड मुस्लिम्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुरु हरगोबिंद साहब। लेकिन जब हम गुरु नानक साहब की बाणी को देखते हैं तो वो कहते हैं तुर्क पठानिया पई लड़ाई। जब बाबर के इन्वेजन की बात करते हैं, वो कहते हैं तुर्क पठान लड़ रहे हैं। हाँ। ना कि मुसलमान लड़ रहे हैं। वो बड़े क्लियर है वहां पे कौन लड़ रहा है। बाबर को वो जाबर कहते हैं। ऐसे ही जब गुरु अर्जुन पाचा को जहांगीर ने शहीद कर दिया, तो गुरु हरगोबिंद साहब ने एक तख्त की सृजना की जिसे कहते हैं अकाल तख्त। और अकाल तख्त का मतलब है टाइमलेस थ्रोन। अच्छा।
जहां पे जो फैसले होंगे वो टाइम से परे होंगे, क्योंकि वर्ल्डली जितने भी थ्रोन हैं ये सारे टाइम बाउंड हैं। आज वर्ल्ड में जियोग्राफिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, लाइंस कुछ और हैं, इससे पहले कुछ और थी, फिरौन के जमाने में कुछ और थी, आने वाले समय में कुछ और होंगी, लेकिन जो अकाल तख्त है टाइमलेस है, हमेशा रहेगा। और ये इंसाफ करने के लिए उस समय जब इसे बनाया गया तो दिल्ली तख्त जो था मुगलिया थ्रोन से इसको 2 फुट ऊपर रखा गया था। अच्छा, तो नथा और अब्दुल्ला जो ढाडीवार में लिखते हैं, दो तलवारां बदियां एक मीर दी एक पीर दी, और आखिरी लाइन लिखते हैं वो पग तेरी की जहांगीर दी, कंपेयर करते हैं, मतलब यू आर ग्रेटर देन जहांगीर। अब पग तो दोनों की है, मैंने भी पग बांधी है, मेरा भी कपड़ा पक्का, और जहांगीर ने भी पगड़ी बांधी है, और जहांगीर की भी पगड़ी, जो गोविंद साहब की पगड़ी की, मैं यहाँ पर किस्सा बताऊंगा। अब वो करेक्टर की बात कर रहे हैं बेसिकली। आपको मालूम है मेहरुल निसा शेर अफगान की वाइफ थी, लेकिन जहांगीर ने जब देखा कि मेहरुल निसा इतनी खूबसूरत है मेरे घर में क्यों नहीं, तो उसने उसे शेर अफगान को मरवा दिया और नूर बाद में उससे शादी कर ली। और यही मेहरुल निसा नूर जहां जब गुरु हरगोबिंद साहब से मिलने आ रही हैं तो उनको बाणी में फरमाते वो पुत्री शब्द इस्तेमाल करते हैं, अच्छा। बेटी कि जो आपने ये हार श्रृंगार किया है, अगर आपने ये हार श्रृंगार इबादत का किया होता तो अभी आप खुदा से मिल जाते। तो ये इसलिए नथा और अब्दुल्ला पक्का वहां कंपैरिजन करते हैं। ये जो ये बड़े लोग हैं, अजीम लोग हैं, हम किसी भी मजहब के हवाले से बात करें, किसी भी धर्म के हवाले से बात करें, उनकी तालीमात कुछ एक जैसी रही हैं। एक दूसरे की मदद करना, बुराई का रास्ता तर्क करना, राह रास्त पर चलना, और अगर कहीं पर जुल्म देख रहे हैं हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना, ये अजीम लोगों की अजीम बातें, और हमारे लिए यही तालीमात है। इन्हीं तालीमात पर हमें गामजन होना है, इन्हीं तालीमात पर हमें चलना है, तभी हम अपनी ज़िंदगी के मामलात को सुधार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हमें रुकना होगा एक छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे उस पार मजीद बातें होंगी हमारे आज के मेहमान से, और अखबार की सुर्खियाँ भी आप तक पहुँचेंगी। देखते रहें गुड मॉर्निंग जे एंड के। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर सलमा ने मुझे इलाज करके बच्चा रुक गया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहब की ईमानदारी, रहमदिली और सिदा की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, वक्त होता है आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का। मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा है जिसकी शह सुर्खी है रेवेन्यू रिकॉर्ड की मुकम्मल डिजिटाइजेशन, बाकी अराजी इंतकाल के लिए 15 अगस्त तक की डेडलाइन मुकर्रर। इसी अखबार से एक और सुर्खी लेते हैं कि चरखा चलाने का रिवाज तकरीबन खत्म, जरियाए माश कमाने वाली लाखों खवातीन की तादाद महज 3,000 तक सिकड़ गई। जी, मकामी उर्दू रोजनामा है मेरे पास, और इस अखबार के पहले सफरे पर चंद अहम खबरें शाया हुई, इन्हीं में से चंद एक का इंतखाब करते हुए इनकी सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जेर सदारत इंतजामी कौंसिल की अहम मीटिंग, तमाम महकमों के लिए तरजीहात को मंजूरी, चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में पेश की गई सिफारिशात तरजीहात का हिस्सा, रवां साल के लिए 1791 अहदाब। दूसरी सुर्खी इस अखबार की, सीज फायर माहदे पर अमल दरअमद के बाद सरहदों पर सकूत, ड्रोन खतरात से निमटने के लिए हिकमत अमली तय, मुल्क की सिक्योरिटी पर समझौता, खारिज अजमकान हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार, DGBSF। और इस सुर्खी इस अखबार की, श्रीनगर समेत मुतद इलाकों में शबाना हल्की बारिशें, 8 जुलाई तक रुक रुक कर बारिशों का इम्कान, बेशतर मकामात पर शबाना दर्ज हरारत में कदरे गिरावट, श्रीनगर में 17.8 डिग्री। आप चाह रहे थे बिल्कुल वैसी। जी जी, वैसी खुशी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये खुशियां जो है ये जारी और सारी रखे। जी, अंग्रेजी रोजनामा से सुर्खी लेंगे, चीफ सेक्रेटरी चेयर्स 10th UT लेवल बैंकर्स कमेटी में
meeting, launches Swarozgar Youth Utsav for providing gainful self-employment opportunities to youth of J&K. جی انگریزی اخبار کی سرخی سنیے گا ایل جی سنہا ایکسٹینڈز گریٹنگز آن گرو ہرگوبند صاحب جیز برتھ اینیورسری جی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لائکلی ٹو ود ہولڈ اینوئل انکریمنٹ آف ٹیچنگ فیکلٹی ود پوئر پرفارمنس جی اور امرناتھ یاترا کے حوالے سے چند خبروں کی سرخیاں یاترا کے دوران ابھی تک سب کچھ ہمارے حق میں رہا ڈویژنل کمشنر موسم نے بھی ساتھ دیا امید ہے اختتام تک سب کچھ ٹھیک ہوگا اور ایک سرخی قریب 6600 یاتریوں پر مشتمل پانچواں قافلہ جموں سے روانہ یاتریوں میں سادھو خواتین اور بچوں کی اچھی خاصی تعداد بھی شامل اور ایک سرخی سی اخبار کی باٹم سپریڈ میں ایک خوش آئین خبر کی سرخی وادی کشمیر کے جنوبی حصے میں اہربل کا آبشار سیاحوں کی پہلی پسند بن گیا ہے چھ مہینوں کے دوران 100,000 سے زائد وزٹرز آبشار کی روانی اور پرترنم آواز سے سرشار آخری روزنامہ میرے پاس اس سے چند ایک سرخی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جی ایم سی جموں پرنسپل بکڈ فار ٹیمپرنگ ایج ان آفیشل ڈاکیومینٹس اخبار لکھتا ہے آگے ایک اور خبر کے تحت پروجیکٹ سکریننگ کمیٹی پی ایس سی ہولز میڈن میٹنگ ٹو ریویو میٹیگیشن پلان آف پکال دل ایچ ای پروجیکٹ ساتھ ہی ایک اور سرخی لیں گے اسی اخبار سے فری ای رکشا سروس سیٹ اپ ایٹ بالتل بیس کیمپ فار امرناتھ پلگرم جی اردو اخبار کی سرخی سنیے گا ناظرین بلوارڈ روڈ پر ٹریفک کی بنا خلل آواجاہی بڑیاری چوک دلگیر سے نہرو پارک تک سڑک گاڑیوں کے لیے نو ہالٹ زون قرار حکم اور ایک سرخی اسی اخبار کی زیر حراست والد کی رہائی کے بعد بیٹے سے 1,00,000 روپے کا تقاضا بارہ ملہ میں دو مبینہ جالساز گرفتار اور میرے پاس یہ آخری اخبار بچا ہے اس اخبار کی سرخیاں سنیے گا نامور شاعر و ادیب علی محمد شہباز کی برسی مختلف ادبی تنظیموں کا خراج عقیدت ڈاکٹر غضنفر کے چھٹے شاعری مجموعے قطرن ہند شہر کی رسم رونمائی اور آخری سرخی کی کمرشل ایل پی جی گیس سلنڈر کی قیمت میں 7 روپے کا اضافہ یہ تھی اخبارات کی سرخیاں ہمارے ساتھ ہیں آج کے شمارے میں ڈاکٹر کلبیر سنگھ بادل صاحب ہم گرو ہرگوبند جی کی زندگی ان کے تجربات ان کے کارناموں اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ درس و تدریس کے کام کے ساتھ بھی منسلک ہیں اس حوالے سے بھی آپ کے تجربات ہوں گے مشاہدات ہوں گے اور پنجاب کا ایک معتبر ادارہ اعلیٰ تعلیم کا پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ کے ساتھ آپ منسلک ہیں تو ہمیں ضرور بات اس حوالے سے بھی کریں گے کہ وہاں آپ کی کیا آبزرویشنز رہی ہیں خاص کر ان طلبہ کے حوالے سے جو کشمیر سے وہاں چلے جاتے ہیں یا جو ملک کے دوسرے حصے ہیں مختلف ریاستیں ہیں وہاں مختلف کورسز میں داخلے کے حوالے سے جاتے ہیں تو وہاں کے آپ کے تجربات کیا ہے کہاں پر کس قسم کا ڈیسیجن لینا وقت پر ضروری ہے اس پر ہم آگے ذرا بات کریں گے لیکن چونکہ ہم ایک عظیم شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور آج آپ کو اس پروگرام میں مدعو کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان کی تعلیمات کے حوالے سے ان کی زندگی کے بارے میں ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں دیکھیں ہر سماج کا اصل اثاثہ اصل ایسٹ جو ہے اس سماج کے نوجوان ہوتے ہیں آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان کئی نوجوان بڑے بری طرح وہ راستے سے ہٹ گئے ہیں خاص کر جب ہم آج کے دور کی بات کر رہے ہیں ہمارے سماج میں ہم بات کر رہے ہیں منشیات کی یہ ایک ناسور کی مانند پنپ رہا ہے تو یہ جو راستے سے بٹکنے والے ہمارے نوجوان ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کے لیے راہ راست پر لانے کے لیے ایسی عظیم شخصیات کی تعلیمات کی بڑی اہمیت ہے تو ہمارے نوجوانوں کو گرو جی کی تعلیمات کو کس طرح لینا چاہیے اور کس طرح انہیں چاہا ہے کہ ایک نوجوان اپنی زندگی گزارے اس پہ ہی مجھے ایک ساکھی یاد آتی ہے جو شاہ جی مرگ میں ہی گھٹت ہوئی ہے ساکھی کا ٹائٹل ہے غریب کا منہ گرو کی گولک جب گرو ہرگوبند صاحب نے کشمیر فیری کی تو جب وہ شاہ جی مرگ پہنچے تو وہاں پہ ساؤتھ کشمیر کی جو سنگتیں تھیں ان کو ملنے کے لیے جب جا رہے ہیں تو ان کے بیچ میں ایک شخص نے سنگت سے ایک شہد مانگی اچھا تو انہوں نے کہا نہیں 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 ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہم پہلے گرو کو دیں گے پہلے گرو اس کو چھوئیں گے اس کے بعد آپ کو دیں گے اچھا جب وہ شہد وہاں پہنچی تو شہد میں کیڑے پڑ گئے تھے شہد خراب نہیں ہوتی ہے کبھی تو وہ بدبو مار رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے کہا کہ سب لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے
तो गुरु ने कहा कि किसी ने आपसे क्या कुछ मांगा था? ने कहा हाँ जी, हमसे एक फलाने कटुशाह ने कुछ मांगा था। तो उन्होंने कहा कि आपने उस जरूरतमंद को नहीं दी चीज। तो फलसफा यह है कि जहां आपको जरूरतमंद मिले पहले उसे दो, जब उसे दोगे खुदा के पास पहुंच गया। सही है। अब आपने मनुष्यात का किस्सा किया तो इसमें मुझे माफ करेंगे, ये आ कहां से रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, कौन है इसका सौदागर? जब तक हम उस पर बात नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और देखिए समाज में दिन ब दिन जॉब अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है। इंडिया के हालात ऐसे हैं यहाँ बड़ी बड़ी डिग्रियां बिक रही हैं, लोग डिग्रियां तो ले लेते हैं, इवन कुछ पढ़ के भी जॉब्स नहीं है, कामकाज नहीं है, क्राइसिस है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है जिसने गूगल में ही 12,000 लोगों की जॉब गूगल के अंदर ही खत्म है। सही। तो इस सिचुएशन से टैकल कैसे करना है? गुरु अरविंद साहब की फिलॉसफी में अगर हम देखेंगे तो तीन चीजें मिलती हैं, सबर है, शुक्र है, सिदक है। अच्छा। खुदा का शुक्र ना छोड़ें कभी भी, बी थैंकफुल, सबर ना छोड़ें और सिदक हौसले से काम करें। राइट। सिचुएशन से भागे नहीं, सिचुएशन का फेस करें, सामना करें। सही है। और हमारे नौजवानों को सिचुएशंस को फेस करना है, भागना नहीं है। और लेकिन जब तक कौन है सप्लायर्स उस पर काम नहीं होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये ड्रग्स दुनिया का बहुत बड़ा कारोबार है। आई वॉज लुकिंग फॉर ए डॉक्यूमेंट्री ऑन बीबीसी में, DWTV में, उनने बताया कि वेस्ट की बड़ी बड़ी सरकारों के अंदर बैठे बड़े बड़े लोग शामिल हैं। जब तक इस पे काम नहीं होगा तब तक हमारी जवानी का कुछ नहीं हो सकता। ये और किसी इंडिविजुअल का मसला नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है कि निप द इविल इन द बड। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक हम किसी चीज को जड़ से ना उखाड़े तब तक। हाँ, जो आपने कहा कि जैसे सब्र शुक्र और हौसला हमें रखना चाहिए, और हमें नौजवानों के लिए खासकर ये एक बड़ा हथियार है, अहम हथियार है कि आप सब्र से काम लें और हौसले का दामन न छोड़े, एक पॉजिटिविटी अपने आप में लाएं। और उसमें जो आम लोग हैं उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जब आप किसी ड्रग एडिक्ट को देखते हैं तो आप उसे मुजरिम न समझें, आप उसे एक पेशेंट ही समझें। मैं ये बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, हमें जितने भी हमारे लोग अगर ड्रग्स में, मैं शायद मेरे दोस्त डिस्कस कर रहा था, मुझे नहीं मालूम है सही है गलत है, उसने ऐसे कहा कि सरकार ने शायद आंकड़ा दिया है कि यहाँ 10 लाख नशा करने वाले हैं। फिगर्स आए थे जी, बड़े शॉकिंग फिगर्स आए थे। और मैं थोड़ा पंजाब के हवाले से बात करूंगा तो वहाँ 2015 में उन्हें 8 लाख का सेंसस लिया था। अब हम जानते हैं कि सरकारी आंकड़ों में हमेशा गड़बड़ होता है, इससे ज्यादा ही फिगर्स होते हैं। हमें नशा करने वालों को कभी ये नहीं समझना है कि ये मुजरिम है, मुजरिम है। हमेशा प्यार से, वो पेशेंट्स हैं। इसका एक हल ये भी हो सकता है कि सोसाइटी अपने लेवल पे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खोले जी, जी, जी। और उन नशे के बदले नशा ना दे जो आमतौर पे होता है छुड़ाने के लिए। तो हमें टेक्निक्स, इसमें इबादत बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो ऐसे हमें नशा, हम लेकिन ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, सही ये हमें सही मानना पड़ेगा पहले। बिल्कुल सही है। और इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं जरा देर बाद अपने मेहमान की जिंदगी के एक और पहलू के बारे में। ये बहुत अच्छे शायर हैं तो कुछ कविताएं सुनेंगे इनसे जरूर। और इनफैक्ट ये कह रहे थे कि आज जब ये स्टूडियोज की तरफ आ रहे थे तब भी उन्होंने कुछ कविताएं लिखी, कल शाम को मेरी इनके साथ बात हुई तो तब कुछ और कविताएं लिखी। तो एक ऐसे शायर हैं जिसे हम फिलबद्दी शायर कह सकते हैं, जो आप इनको सिचुएशन देंगे ये शेर लिख देंगे। तो वो बातें जरा देर बाद होंगी, फिलहाल हमें रुकना होगा नाज़रीन उस सेगमेंट के लिए जो सेगमेंट हमारी जानकारी में बहुत इजाफा करता है। डॉक्टर तारिक मरगूब हम तक पहुंचाते हैं गुड मॉर्निंग एजुकेशन। तो आइए देखते हैं आज का गुड मॉर्निंग एजुकेशन। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हम सब जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और सबसे ज्यादा अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि जिंदगी में वो अपने करियर में, एजुकेशन में, प्रोफेशन में कामयाब हो। लेकिन कामयाबी ओवरऑल किसको कहते हैं? वो बच्चा या बच्ची एज फादर, एज मदर, एज सन, एज डॉटर, एज हस्बैंड, एज वाइफ, एज पार्टनर, एज कलीग, हर जगह में, हर फील्ड में अगर वो कामयाब होगा तब उसको कहेंगे ओवरऑल सक्सेस। वो कामयाब मुतमईन होगा। उसके लिए आपको बताते हैं सबसे बेस्ट तरीका, ये चीज़ है कि आप देखिए हमारी जिंदगी में
इन एस्पेक्ट्स में वो बहुत अच्छे तरीके से कोका कोला के जो फॉर्मर सीईओ है ब्रेन डाइसन, उसने 30 सेकंड में ये कितने खूब तरीके से बताया है, इसको इलाबोरेट किया है। वो कहते हैं लाइफ को आप एक गेम मान लीजिए और हमारे पास मिल जाती हैं जगलिंग करने के लिए, ऊपर उछालने के लिए 5 बॉलें हमारे हाथ में होती हैं। इनको हमें बड़े एहतियात से, पहली होती है वर्क, फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड्स और स्पिरिट, और ये हमें हवा में उछालते रहना है और एहतियात से। और आपको फिर पता चलेगा ये जो बॉल्स हैं इनमें से जो पहली वाली बॉल है, जो वर्क वाली काम वाली है, वो रबर की बनी होती है, और अगर आप वो नीचे गिर भी जाएगी तो उछल के हाथ में वापस आ जाएगी, तो उसका डर नहीं है, काम छूट जाए दोबारा मिल सकता है। लेकिन वो कहते हैं फैमिली हो, हेल्थ हो, फ्रेंड्स हो या स्पिरिट हो, अगर ये शीशे के बने हुए हैं, इनमें से कोई भी अगर गलती से नीचे गिर गया तो इसमें दरारें आ जाएंगी, इसमें क्रैक्स आ जाएंगे, ये टूट सकता है, ये सारे ये दोबारा कभी वैसा नहीं रहेगा, ये शैटर हो जाएगा, इसके एहतियात से। तो वर्क जहां भी काम करते हैं, चाहे पढ़ने वाले हैं तो 8 घंटे पढ़ाई में पूरा सब कुछ दे दीजिए उसके 8 घंटे, या काम कर रहे हैं 100% दिल और दिमाग से दे दीजिए, फिर फैमिली के लिए कुछ टाइम निकालिए, फ्रेंड्स के लिए। वो कहते हैं वैल्यू हैज़ अ वैल्यू ओनली इफ इट्स वैल्यू इज वैलिड। अगर बेस्ट चीज ये है, परफेक्ट मेंटेनेंस ऑफ लाइफ क्या चीज है कि हमारे पास जो ऊपर वाले, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, गरीब हो, अमीर हो, उनके पास 24 घंटे का टाइम मिला हुआ है, 24 घंटे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, 8 घंटे तो काम के लिए जो मैंने बताया परफेक्टली काम कीजिए, 7 घंटे हमें नींद के लिए चाहिए ताकि हर दिन हम फ्रेश उठें, लेकिन उससे सबसे ज्यादा जरूरी है बाकी जो 9 घंटे हमारे पास रहते हैं उसको 3H, 3F और 3S में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 3H मींस, H मींस पहले क्या चीज है, हमारा हेल्थ है, हाइजीन है और हॉबी है। दूसरा जो है वो है 3F, अब F में क्या है, फैमिली है, फ्रेंड्स है और फेथ है, और तीसरा वाला F जो है हमारा वो है 3S, वो है सोल, सर्विस एंड स्माइल। ये तीनों चीजें बच्चों को अगर सिखाई जाए कि अपने 24 घंटे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके दोस्त भी राजी होंगे, आपके काम में भी आ जाएगा, सर कोई पसंद करेगा आपको, और आप ओवरऑल सेटिस्फाइड होंगे पूरी जिंदगी में। ये कराया जा सकता है हर स्कूल में थ्रू वर्कशॉप्स, कराया जा सकता है ISPD, तभी मैं कहता हूँ इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आर मस्ट फॉर एवरी स्कूल एवरी स्टूडेंट 21वीं सदी के लिए। और आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। وچن والے ہوں بیک لیٹ استقبال تو خوش آوائی گڈ مارننگ جین کے پروگرام چھو تھی وچان تھا اس سچ کس پروگرام اس میں ڈاکٹر کلبیر سنگھ بادل صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں گے گرو جی کی زندگی اور جو ان کے عام لوگوں کے مقابلے میں جو عظیم لوگ ہوتے ہیں جب وہ کہیں جاتے ہیں تو وہاں بھی ایک مقصد سے جاتے ہیں، جب وہ کہیں سفر کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک مقصد کے تحت سفر کرتے ہیں۔ جو ان کے وہ ٹریولز رہے ہیں جو انہوں نے سفر کیے ہیں اس بارے میں، خاص کر جو ان کا کشمیر آنا ہوا ہے اس بارے میں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں، اس کے بعد ہمیں آپ کی زندگی کے اور ایک پہلو کے بارے میں بات کریں۔ گرو ہرگوند صاحب جی کشمیر آئے اور یہ میرپور، نوشہرہ، ریاسی سے ہوتے ہوتے اپنا راجوری سے ہوتے ہوتے شوپیاں پہنچے، پھر شری نگر، پھر بارہ ملہ، پھر اپنا اوڑی پرمپیلہ۔ جی یہاں پہ ایک جو سب سے ट्रेडिशन में है बात कि माता भागपरी जो सेवादास गुरु अमरदास साहब ने जो मंजियां थापी बनाई थी उनमें से एक मंजी मंदी एम्ब्रेसीज ऑफ सिखी थे, वो सेवादास थे। तो जब गुरु माता भागपरी ने ये छठी पातशाह में जो गुरुद्वारा वाक है उसकी बात कर रहा हूँ, अपने बेटे को देखा इतना इसमें चेंज आ गया है तो इबादत गुजार हो गया और लोगों को सिखी में ला रहा है, तो उसने कहा कि मैंने भी ऐसे गुरु के दर्शन करने हैं। तो गुरु साहब मालवा में थे और गुरु साहब यहाँ आए और उन्होंने माता भागपरी को दर्शन दिए। यहाँ पे ट्रेडिशन ये कहता है कि माता भागपरी तब अंधी हो चुकी थी, तो उनने एक गुरु जी के लिए एक चोला बनाया था, एक कुर्ता बनाया था, उनने गुरु जी को कुर्ता भेंट किया। जो आप वहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे कुएं हैं, तो गुरु साहब ने वहाँ बर्छा मारा, अपना बर्छा मार के जल लाया और उनकी माता जी की आंखों पर मारा और माता जी की आंखों की रोशनी वापस आ गई। तो गुरु साहब यह लगभग यहाँ 3 महीने कश्मीर में रहे, शालीमार जगह पे रहे हैं। तो इसी बीच में फिर माता जी का देहांत हो गया, उन्हें माता जी का संस्कार भी किया। और इसके बड़ा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि गुरु साहब और जहांगीर ने इकट्ठे ट्रेवल किया और कई मानते हैं अलग अलग ट्रेवल किया। okay. लेकिन इसमें आप इम्पोर्टेंट बात देखिए, वो जहांगीर उन्हीं के बाप का कातिल है।
लेकिन गुरु साहब निर्वैर है, निरपाव है, जिसका किसी से कोई नफरत नहीं है, किसी से कोई गिला नहीं है। जब उन्हें, क्योंकि उसमें और गुरु साहब ने माफ कर देते हैं, मतलब आप कह रहे थे ना, हम क्या सीख सकते हैं, ये माफ करने वाली भावना जी जी, जी। ये भी हमारे अंदर होनी चाहिए। वंडरफुल। सो ऐसा ही गुरु साहब कलमपुरा गए, बारामुल्ला में वहां पे शिकार करने गए, परमपीला गए, और आप देखेंगे गुरु साहब यहाँ पे बारामुल्ला की इम्पोर्टेंट बात यह है कि कलमपुरा में वो वहां पे भी उन्हें कुआं बर्चा मार के वहाँ कुआं आया, और उस इलाके में जब तक नलके नहीं थे और आज भी वहाँ वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, पानी की जरूरत वहाँ से पूरी होती है, पूरी होती है। तो गुरु साहब की ये कश्मीर की यात्राएं, बड़ा टाइम चाहिए बात करने के लिए। इतनी अजीम शख्सियत के बारे में अगर हम पूरा दिन भी बात करें वो भी कम है, और फिर एक घंटा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके बारे में ये बात जरूर करना चाहेंगे, आपकी शख्सियत के इस पहलू के हवाले से कि आप एक शायर भी है, और आपने बहुत खूबसूरत बात कही ऑफ कैमरा हमसे कि आपने कल शाम को अजरबाई से बात करने के बाद आज के दिन के हवाले से चंद अशार लिखे, और इनफैक्ट सुबह यहाँ आते आते आपने कश्मीर को लेकर चंद अशार लिखे। अगर आप हमारे तो ताजा कलाम में से कुछ हमें इनायत करें। हाँ बिल्कुल, बहुत ये पंजाबी की एक खुली कविता ही है, जोत प्रगट कर हर गोबिंद माह, जोत प्रगट कर हर गोबिंद माहे, मीरी पीरी सिद्धांत दृढ़ायो, बख्शी पातशाहत सिखन को, वाहे गुरु गुर मंत्र दड़ायो, सत नाम करता पुरख मंत्र हृदय माहे जपायो, वाहो वाहो हर गोबिंद गुरु मस्कीनन को गल लायो, वाहो वाहो हर गोबिंद गुरु मस्कीनन को गल लायो। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। और अब इरम ने जिक्र छेड़ी दिया है कि आपने कश्मीर की खूबसूरती पर भी कुछ लिखा है। हाँ, मैंने अभी अभी आते ही लिख रहा था मैं जी। वादिये कश्मीर तू मेरे चित चेतियां च रहंदी है, मैं जिथे भी होवां तू मेरे दिल दे नेड़े रहंदी है, अरशां तो फरशां तीक महक खिलरी है तेरी। बहुत खूबसूरत है, मगर गवाचिया जिहा लगदा नुंद ऋषि दा फलसफा। लली दी दास्तां, ललीश्वरी लली दी दास्तां ते सूफियां दा फलसफा, तेनू नजर लगी किसे बला दी, मगदा हां तेरी खैर आफियत दा सदका। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, ये जो शायरी का सिलसिला है या अदब के साथ मुंसलिक होना, इत्तफाकन ही हुआ या आप के खानदान में, खानवादे में कोई थे? देखिए, मेरे ग्रैंडफादर ज्ञानी करतार सिंह कोमल इस वादी जम्मू कश्मीर के पंजाबी के पहले शायर हैं। सही है। बाकी पर्सनैलिटी के उनके बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में इंडिया टुडे का एक आर्टिकल था, उन्होंने हमारी एक रिलीजियस पर्सनैलिटी के बारे में 60 साल में एक रिमार्क्स किया था। अच्छा, ओके। तो ये मेरी शायरी वहीं से उपजी है, स्टार्ट इंसिडेंट की वजह से। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, मैंने और एक चीज का जिक्र छेड़ा था प्रोग्राम में, अगर आप उस पर बात नहीं करेंगे तो फिर हमारे जो नाज़रीन हैं नाराज भी हो जाएंगे, खासकर जो हमारे एस्पायरिंग हमारा यूथ है, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि यहाँ पर चूंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, हम जब बात करते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, उसके बाद कई नौजवान होते हैं जो चाहते हैं कि फिर वादी से बाहर या अपनी यूटी से बाहर चले जाएं, वहाँ किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला कराएं, ताकि जो तालीम के हवाले से उनकी ख्वाहिश है कि वो अपनी तालीम को आगे बढ़ाएं, वो जो है वो चीज़ पूरी हो जाए। लेकिन उसमें फिर मामला ये हो जाता है, कई बार लोगों को धोखा खाना पड़ता है। वो चाहते तो हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में दाखिला कराना, लेकिन उनकी वो चॉइस सही नहीं होती है। तो उस हवाले से क्या आपकी कोई ऑब्जर्वेशन रही हैं? देखिए, पंजाब में रहते, पंजाब में जो कश्मीरी, जम्मू कश्मीर से बच्चे पढ़ते हैं या बाहर से बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तब वहाँ स्टूडेंट लीडर था, तो उसके बाद एक्टिविज्म अंदर गया नहीं। मैं आपको इस साल का ही किस्सा बताता हूँ। फिरोजपुर में एक, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, एक कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है। ओके। उन्होंने कश्मीरी बच्चों का ये इल्ज़ाम था कि हम मुसलमान हैं इसलिए हम से कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, बच्चों का ये इल्ज़ाम था, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। ठीक। लेकिन जब हम कॉलेज में गए तो वो उन बच्चों का एग्जाम नहीं देने दे रहे थे। बाद में हमें वहाँ, मैंने बहुत बच्चों से बात की जो वहाँ के नहीं थे, लोकल नहीं थे, बाहर से आए थे, तो वो कॉलेज उनको बहुत ब्लैकमेल कर रहा था। अच्छा। तो फिर मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप यहाँ जब आए तो आपने इंक्वायर नहीं किया?
उन्होंने कहा नहीं जी हम इंक्वायर नहीं किया, हमें यहाँ से कश्मीर में से एजेंट ने यहाँ भेज दिया। तो ऐसे ही एक और इंसिडेंट हुआ कि एक कॉलेज है वहाँ पटियाला में ही, वो कॉलेज है हमारी यूनिवर्सिटी से ही मुंसलिक है जी, उसने बच्चों का क्या किया, बच्चों को फॉर्म नहीं भरे। अच्छा। और फॉर्म ना भरने की वजह से बच्चों के सारे सेमेस्टर क्लियर हो गए लेकिन सेकेंड सेमेस्टर अभी तक अटका पड़ा है। अच्छा। तो अब उसका फॉर्म ने भरवाया। मैं यही बात कहूंगा कि आप, क्योंकि हमारे इंडिया की ये बदकिस्मती है कि कई प्राइवेट अदारे उस जमीन पे खुल गए जो उपजाऊ नहीं थी, जहां पे खेती नहीं हो सकती वहां पे ऐसे इंस्टीट्यूशन खड़े कर दिए। सो आप जरूर जाएं लेकिन आप वहां पहले विजिट करें, फीडबैक लें, खासकर पेरेंट्स के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, वहां जाएं, वहां फीडबैक लें, वहां पढ़ रहे बच्चों से फीडबैक लें, आज तो इंटरनेट का जमाना, इनका रिव्यू देखें, तब अपने बच्चे भेजें। और ऐसे ही ना भेज दें, पहले पूरा बैकग्राउंड चेक करो। हाँ, उसका एटलीस्ट कोई रेपुटेशन तो हो। मैं नहीं कहता कि हर बंदा बच्चा अपना अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है, लेकिन इंडिया में बहुत अच्छे अदारे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की, मैं हिंदुस्तान में जहां भी गया तो मुझे कश्मीर के बच्चे मिले और अच्छे अच्छे अदारों में मिले, चाहे वो IITs थे, चाहे NITs थे, चाहे मेजर यूनिवर्सिटीज थी। लेकिन कुछ बच्चे गलती भी करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, तो पेरेंट्स बड़ा ध्यान से जाएं और देखें और फिर ही अपने बच्चों को वहां पे एडमिशन करवाएं। जी बिल्कुल राइट। आप हमारी जानकारी में बड़ा इजाफा कर रहे हैं, न सिर्फ तालीम के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, अपनी शायरी के हवाले से भी कुछ बातें हुई, हिस्ट्री के हवाले से, हिस्ट्री के ताल्लुक से। जो सिख धर्म है, सिख धर्म जाहिर सी बात है, हालांकि किसी मजहब के हवाले से बात करना ये बड़ा एक सेंसिटिव मसला होता है, लेकिन जब तक आप बात नहीं करेंगे तो जानकारियां कहां आम होंगी। एक कंफ्यूजन, खासकर वो दोस्त जिन्हें नहीं मालूम है ज़्यादा इस धर्म के बारे में, वो ये कि जिस तरह आज स्टार्ट में जब हम आपसे बात कर रहे थे, मैं आपसे कह रहा था कि हरगोबिंद सिंह जी क्यों हम नहीं कहते हैं, हम इनको क्यों हरगोबिंद साहब जी कहते हैं। तो आपने कहा कि इसके पीछे भी एक रीज़न है, तो हम चाहेंगे कि ज़रा इसकी भी वजाहत हो कि सिंह नाम के साथ जोड़ने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ। हम देखते हैं कि गुरु नानक साहब के, जब तक गुरु नानक साहब से गुरु तेग बहादुर साहब का सफर जो है उनके नाम के साथ सिंह नहीं है। अच्छा। उससे पहले जो सिखी में किसी को इनिशिएट करते थे तो वो चरण पाहुल की परंपरा थी। अच्छा। गुरु गोबिंद सिंह ने बैसाखी वाले दिन 1699 को अनंतपुर साहब, जो वो शब्द हमने देखा, हाँ हाँ जी जी, वहां पे बैसाखी का जो फेस्टिवल था गुरु अमरदास जी के साहब से ही स्टार्ट हो गया था, तो उन्हें वहां पे बैसाखी के फेस्टिवल से पहले लेटर भेजे, भिजवाए, हुक्मनामे भिजवाए कि संगतें आए। बैसाखी के दिन लगभग वहां 80,000 का इकट्ठ हो गया। गुरु साहब जैसे ही दीवान खत्म हुआ, रिलीजियस कांग्रेगेशन खत्म हुआ, तो बाहर आए, उन्होंने कहा मुझे एक सिर चाहिए। अच्छा। जब लोगों ने सुना कि गुरु महाराज कह रहे हैं मुझे एक सिर चाहिए, तो एकदम से हफ्ता दफड़ी मच गई, ये गुरु क्या कर रहे हैं। गुरु साहब ने 3 बार यही बात कही और 3री बार भाई दया सिंह उठे, दया राम उनका नाम तब था, वो उठे और उन्होंने कहा कि गुरु महाराज मुझे माफ करिए, मैं पहली पुकार पे नहीं आया। अच्छा। इसी सिलसिले में गुरु साहब ने उनको अंदर लिया, उनको झटका दिया, उनका सिर कलम कर दिया। ओके। ऐसे ही गुरु साहब ने 5 सिखों के सिर मांगे, 5 भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोकम सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी। अच्छा। ये सब पहले, ये मोकम थे, साहिब थे। जब गुरु साहब ने सबको सिर कलम कर दिया, अमृत तैयार किया, 5 बाणियों का अमृत, जो हमारी जो बाणियां नित्यनेम की बाणियां, जैसे निमाज की आपकी वो है, वैसे 5 बाणियां हैं, जपजी साहब, जाप साहब, तो प्रसाद सुवैये, चौपाई साहब, अनंत साहब, पढ़ के 2 तारा खंडा, जो मीरी पीरी का कॉन्सेप्ट था ना, वो स्पिरिचुअलिटी ऑफ रिलीजन का, गुरु गोबिंद सिंह ने उसको खंडे में, खंडे आप समझते हैं जिसके दोनों तरफ धार होती है, उसको सर्वलोक के बाटे में अमृत तैयार किया और उनको छकाया। ओके। तब उनके नाम के साथ उनको सिंह दिया। अच्छा अच्छा। पहले तो जब गुरु गोबिंद सिंह ने फिर उन्हें कहा कि अब मुझे अमृत छकाओ, तो वो उनसे कहने लगी कि महाराज हमने तो अपना सिर दिया, आप क्या देंगे। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा मैं अपना सरबंस सवार दूंगा। और इतिहास में ये है, गुरु गोबिंद सिंह के 4 बेटे शहीद, गुरु गोबिंद सिंह का बाप शहीद, गुरु गोबिंद सिंह की माँ शहीद, गुरु गोबिंद सिंह खुद शहीद, उनके परिवार के 24 शख्स शहीद हैं। उसके बाद खालसे की सृजना हुई है, ये सिंह नाम ऐसे नहीं मिला, औरतों के लिए एक कोर लकब दिया गया। जब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने अमृत तैयार किया तो
इसमें कास्ट सिस्टम को खत्म कर दिया गया, इक्वालिटी वननेस, रिकॉग्नाइज द ह्यूमन रेस एज वन कॉन्सेप्ट लेके आए, ये है सिद्धांत सिंह और कौर का। अरे वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से भी हमारी जानकारी में बड़ा इजाफा किया। इसके लिए हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो बड़े शुक्रगुजार होंगे आपके कि इस किस्म की जानकारी आपने हमें दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर और वक्त होता तो आपसे मजीद बात करते इस अजीम गुरु के बारे में और आपकी अपनी जिंदगी के हवाले से, लेकिन आगे और वक्त मिलेगा कभी आपको दोबारा दावत देंगे और आपके साथ मजीद बात करेंगे। कश्मीरी में आप कुछ आखिर में जरूर बोले 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 तो दूरदर्शन शुक्रगुजार सोन व्यूवर शुक्रगुजार तो दुआ करा सोन कशीर खुदा नाजरीन तुहद सड़ा शुक्रिया। तुम रूजू वुछान दूरदर्शन श्रीनगर, तुम रूजू वुछान डी डी कशिर गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम में आज बस युत। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम। मुझे और इरम को दी इजाजत। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।